ओगणा में संचलन भी हुआ है, ओगणा संघ की पुरानी शाखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पुरानी शाखा में से नाम है ओगणा का। शारीरिक जोरदार हुआ, विशेषकर युद्ध का प्रदर्शन, अच्छा युद्ध का प्रदर्शन किया। खेल खिला रहे तो मुझे लग रहा था आप तो थक गए होंगे स्वयंसेवक, पर अंतिम समय तक भी जो खेल खेल रहे थे उसी उत्साह से, जिस उत्साह से खेल प्रारंभ किया और उसी प्रारंभ से खेल खेलते रहे। दंड, युद्ध, सूर्य नमस्कार, आसन, एक स्वयं शाखा के बालक ने आकर प्रतिवेदन, शाखा का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया, क्या क्या शाखा में होता है। उस प्रतिवेदन को थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ, वो प्रतिवेदन उनकी स्वयं शाखा में जो समझ में आया वो उन्होंने किया, लेकिन और प्रतिवेदन में क्या होता है। इसी साल इस ओगणा शाखा पर भी एक प्रतिवेदन आया होगा, वृक्ष लगाओ अभियान, पेड़ लगाए, शाखा के माध्यम से वृक्षारोपण को ताकत मिले, इसलिए स्वयंसेवक एक पौधा एक स्वयंसेवक और उसका साल भर पालन करें। दूसरा, संघ के 6 उत्सव, हिंदू समाज में 365 दिन में से एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसका उत्सव ना मनाया जाता हो या कोई न कोई 30 त्यौहार नहीं हो, लेकिन शाखा ने 6 उत्सव निर्धारित 6 उत्सवों को मनाया जिसमें से हमारी परंपरा के अनुकूल व्यवहार करने के काम हो। एक उत्सव मनाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, रक्षाबंधन उत्सव, समाजो उत्सव का उसको, और समाज के अंदर वंचित शोषित बस्ती में जाना, वहाँ की कच्ची बस्ती के स्वयं हिंदू समाज के अभिन्न अंग को राखी बांधना और शाखा में आकर रक्षाबंधन मनाना। अब इस बौद्धिक को रक्षाबंधन में शाखा को समझाया स्वयंसेवकों को, तो समझाने के लिए शाखा में बौद्धिक देने वाले कार्यकर्ता ने, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बौद्धिक दिया और मैं उस बौद्धिक को सुन रहा था। आप सब लोगों को भी मैं उससे जोड़ता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। उस स्वयंसेवक ने राखी के महत्व को समझाना शुरू किया, तो शाखा में पूछा उन्होंने साईं वालों से, राम ने रावण को मारा कौन सा दिन, विजयादशमी। कृष्ण का जन्म हुआ कौन सा दिन, जन्माष्टमी। दुर्गा ने महिषासुर मर्द किया और उसके बाद 9 दिन तक राम ने उपासना की, कौन से, नवरात्रि। कोई न कोई उत्सव, कोई न कोई कर्म किसी न किसी महापुरुष देव पुरुष के द्वारा किए हुए उसकी लीलाओं या उसके जन्म स्थल को ध्यान में रखकर मनाया। पर राखी, सायम शाखा बाल, राखी तो किसका त्यौहार है कि बहन भाई को राखी बांधती है, बस। इसके अलावा शुरू कब हुई पता नहीं, आप में से भी कई लोग सोचेंगे, एक बार विचार कीजिए राखी का बंधन कब शुरू हुआ, विचार नहीं आता कि किस घटना से हुई। तो थोड़ा एक होशियार स्वयंसेवक था, वो खड़ा हो गया, उसने कहा कि एक को राखी भेजी थी, उसका नाम रानी थी, राजपूतों की रानी थी, उस पर आक्रमण हुआ तो उन्होंने एक राखी भेजी, और जिसको राखी भेजी वो आया ही नहीं, राखी भेजी और आया ही नहीं और रक्षाबंधन शुरू हो गया। कहा नहीं, गलत है बात है, पाठ्यक्रम में तो यही पढ़ाते हैं, किताब में तो यही पढ़ा रहे हैं, हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं आया नहीं, रक्षाबंधन शुरू हो गया। पर रक्षाबंधन शुरू हो गया ऐसे सुना रहे थे, तो उस बौद्धिकर्ता ने एक कहानी सुनाई। उनका अपने यहाँ शादी ब्याह होते हैं, हर शादी के अंदर आप सबको पता है जैसे ही घोड़ी बाहर आएगी दूल्हे के दोस्त उसको हाथ पकड़ेंगे और घोड़ी पे चढ़ाएंगे और अपने बैंड वाले को मालूम है। हर शादी का पेटेंट गीत है, गीत क्या है, मेरे यार की शादी है, जलेबियां तल रही है, कचौरी बन रही है, दूल्हा बाहर आया घोड़ी पे बैठने लगा और उसने बनाया मेरे यार की शादी है। अब उस यार की शादी बजा और उधर से बिल्ली ने रास्ता काटने के लिए दिखी, अपने सबको बिल्ली ध्यान आ गई ना, अगर बिल्ली सामने आ जाए तो क्या होता है, दादी को भी ध्यान आया बिल्ली आ रही है, तो दादी ने उठाया धोवणा, कपड़े धोने वाला, और बिल्ली को भगाने के लिए वो धोवणा फेंका, बराबर धोवणा बिल्ली के माथे पे लगा और बिल्ली मर गई। बिल्ली रास्ता काटे हम सब समझ गए, और बिल्ली मर जाए तो भारी अशुभ। पुराने लोग होशियार थे, अपने यहाँ शादी ब्याह में जब कंकुपत्री लिख जाए और उस कंकुपत्री लिखने के बाद
किसी की घर में मौत भी हो जाए तो लाश को पड़ोस के घर में रखते हैं, शादी संपन्न करते, जितने उत्साह से करते हैं उसे थोड़ा कम हो जाता है, पर शादी रुकती नहीं है। दादी भी होशियार थी, दादी घर के अंदर गई, टोपला लेकर आई छाने बिनने का, टोपला उस पर रख दिया। अब टोपला रखा तो लोगों ने समझा कि कोई कोई उठा लेगा, तो दादी ने उस पर थोड़े माली पन्ने लगाए, सिंदूर लगाया, पुष्प चढ़ाए, अगरबत्ती लगाई और कहा अपने घर का ये टोटका है, परंपरा है, रिवाज है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। शादी संपन्न हुई, बिल्ली को उठाया, फेंक दिया और जो पूजा कर्म करना था कर दिया। दादी के भी 100 साल पूरे हुए, दादी भी भगवान को प्यारी हो गई, स्वर्गवास हो गया, 100 साल हो गई, देवलोक गमन हो गया। अब उस घर में जिस लड़के की शादी हुई उसके छोरा हुआ लड़का, उसकी शादी वही बैंड बार लगा हुआ है, घोड़ी पर चढ़ने वाला आदमी, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा, दोस्त है और बजा मेरे यार की शादी है। जो उस लड़के की माँ थी वो सब देख रही थी, वो अंदर से दौड़ गई, रुको 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 रुको, अपने घर में एक रिवाज है, एक टोटका है, क्या है, बिल्ली लाओ। सारे घर के लोग लग गए बिल्ली ढूंढने में, ढूंढ ढांड के बिल्ली पकड़ के लाए, फिर बिल्ली को मारा, फिर उसके ऊपर टोपला रखा, माली पन्ने लगाए, सिंदूर लगाया, अगरबत्ती की परंपरा से उस घर में ये चल रहा था। एक दुर्घटना ने बिल्ली मारने का काम शुरू किया। मैंने उस बिल्ली की घटना को ध्यान से आप सब सोचिए, हम सब बिल्ली मार रहे हैं, प्रति साल, प्रति वर्ष, प्रतिदिन, रोज अखबार के अंदर, टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर पढ़ते हैं 6 साल की लड़की से लेकर 80 साल की बुढ़िया के साथ बलात्कार करने वाले, शोषण करने वाले, लूटने वाले। जब मैं नाम पढ़ता हूं तो वो नाम हिंदुओं के होते हैं जो किसी न किसी से राखी बंधा रहे हैं। बहन को रक्षा सूत्र के दिन हाथ पर राखी बांधने के बाद वो जब घर से बाहर निकलता है तो किसी दूसरे की बहन बेटी के साथ छेड़खानी करने से चूकता नहीं और कहता उसने कपड़े ऐसे पहन रखे थे, उसने कपड़े वैसे पहन रखे थे। 6 साल की बच्ची को, 3 साल की बच्ची को कपड़ों का पता नहीं, 80 साल की बुढ़िया को कुछ मालूम नहीं, उसके साथ करने वाला कौन? हाँ, कोई विधर्मी हो जो हिंदू रिवाज को नहीं मानता हो, वो कहीं और पूजा पद्धति में जाता हो और वो किसी की इज्जत लूटे तो मैं मान सकता हूं, लेकिन जो राखी बंधाने वाले हाथ हैं वो हाथ किसी को खींच कर कपड़े उतारते हो तो फिर रक्षाबंधन के उत्सव को सोचना चाहिए, हम बिल्ली मार रहे हैं या परंपरा निभा रहे हैं। बहनों को भी गिफ्ट चाहिए, एक दिन गिफ्ट लेना और गिफ्ट देने से हो गया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 6 उत्सवों को सेलेक्ट किया, 6 उत्सवों का चयन किया। और वास्तविकता में रक्षाबंधन क्या है? पर नारेशु पर मात्रवत, पर द्रव्येशु लोष्टवत, पराई मिट्टी, पराया धन मिट्टी के समान है, पराई नारी, पराई महिला माँ बहन बेटी के समान है। ये उद्देश्य के साथ एक भी न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। उस वंचित और शोषित बस्ती में जाने के लिए जिसे हमने, किसी ने ठाकुर होने के नाते, किसी ने ब्राह्मण होने के नाते, किसी ने वैश्य व्यापारी होने के नाते जो गंदगी उठाते थे, आप सबको उसी स्वयंसेवक की घटना सुनाता हूं। आप सब लोग बाल्यकाल में, छोटी उम्र के अंदर, कभी न कभी अपनी माँ की गोद के अंदर किसी ने नहीं बोला आई गो टू वॉशरूम, मम्मी मुझे लेटरिंग आई है, प्लीज लेटरिंग तक लेकर चलो। सब माँ की गोद में लेटरिंग करते थे, माँ की गोद में बाथरूम करते थे और उन्हीं हाथों को धोकर आपकी माँ आपके पिता को, उनके ससुर को, उनकी सास को खाना रखती थी। बड़े होकर हम में से किसी ने कहा छी छी मम्मी तू बहुत गंदी है, तूने मेरी लेटरिंग उठाई है, दूर रहे, तू अपवित्र है, तू माँ नहीं, तू तो मेरी लेटरिंग उठाने वाली है। हम सब ने किया, जिस माँ ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया और जिसने समाज की सफाई रखी, हमारे मोहल्ले की सफाई रखी, जब घर में लेटरिंग होती नहीं थी हम लेटरिंग जाते थे और वो लेटरिंग एक टोपले में इकट्ठी होती थी और जिस मुसलमानों के दम पर लोगों ने मारने की कोशिश कर रहे थे, आज बदलो धर्म नहीं तो हमारी सोच उठाओ,
उस समाज ने शौच उठाना स्वीकार किया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। उस मां स्वरूप समाज को जिसने हमारे मरे हुए जानवर को गांव के बाहर ले जाकर चमड़ा उतार कर जूता बनाया, अगर वो गाय मरी हुई, वो जानवर कुत्ता मरा हुआ गांव के अंदर होता तो हम बीमार हो जाते, सड़न हो जाती। उस समाज को हमने क्या कहा? आप वंचित हैं, आप दलित हैं, आप छुआछूत है। क्यों होगी हमारे पूर्वजों ने किसी कारण से व्यवस्था, कर्म के आधार पर व्यवस्था हुआ। यहां बैठा हुआ और ये सुनने वाले माइक में से अगर कोई मुझे यहां लाकर दिखा दे, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे ऊपर ठप्पा था मैं ब्राह्मण हूं, एक का ठप्पा बता दे, भगवान ने ठप्पा देकर पैदा किया। कर्म आधारित व्यवस्था, जन्मता जायते शूद्र द्विजे प्रणाय। जिस रामायण को, जिस महाभारत को हम हमारे घर में रखते हैं वो लिखने वाले वाल्मीकि हैं, तुलसीदास हैं, जिन नारद जी को तीनों लोकों में गमन करने का अधिकार है, उनके माता पिता का पता नहीं है किसी को। कर्म के आधार पर जीवन जीने वाली इस हिंदू संस्कृति के अंदर धीरे 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 कालांतर में उत्सवों का, कार्यक्रमों का परिवर्तन होता गया और वो परिवर्तन इस दिशा में गया कि हमने मूर्ति के सामने पशु बलि शुरू करते करते नर बलि तक आ गए। आदमी की बलि देंगे सोना मिल जाएगा, बड़े बेटे की बलि दोगे आपको जीवन सफल हो जाएगा। ये कर्म कांड के आधारित परंपरा जब बढ़ने लगी तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्सवों का सार्वजनिकरण और उन उत्सवों की वास्तविक महत्वता को बताने के लिए केवल 6 उत्सव का चयन किया। उसमें से एक उत्सव है श्री गुरुदक्षिणा। समाज हित में हम क्या कर सकते हैं, तो यहां जो बैठे हैं छोटे छोटे बालक और इनसे भी छोटे एक सायम शाखा के बालक, 6ठी क्लास के बालक को गुरुदक्षिणा का महत्व समझाया। मम्मी पापा से पैसे मांग कर नहीं लाने, अपने जो जो पॉकेट मनी मिलती है, जो अपने को खर्चा मिलता है, उस खर्चे में से बचाकर देश धर्म संस्कृति के लिए, हिंदू समाज के लिए ऐसी बस्तियां जिनमें कोई जाता नहीं वहां वनवासी कल्याण आश्रम का काम चलाने के लिए, वहां विद्या भारती का स्कूल चलाने के लिए, वहां सेवा बस्ती का काम चलाने के लिए हम साल में एक बार परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने, हमारे यहाँ आदमी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है, उस विचार के महत्वपूर्णता के लिए परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने साल में एक बार दिन 365 दिन तक तन मन बुद्धि का समर्पण करेंगे, लेकिन एक बार धन का समर्पण करेंगे। तो वो एक 5वीं क्लास का बालक भाषण सुनने के बाद, बौद्धिक सुनने के बाद घर गया, मंदिर के अंदर उसने कलश लगाया और उस मंदिर में कलश लगा लिखा ऊपर श्री गुरु दक्षिणा पात्र। संपन्न परिवार का था, पिताजी जज थे, माँ डॉक्टर थी, समय नहीं था उनको, नौकर शाखा लेकर आता था, नौकर उसको घर ले जाता था। गुरु दक्षिणा के 4-5 दिन पहले उसको तेज बुखार आया, उस बुखार की अवस्था में, अचेतन अवस्था में, बड़बड़ की अवस्था में बोल रहा था 4 दिन बाद मेरी शाखा का उत्सव है, मुझे समाज के लिए पैसा इकट्ठा किया है, जो गुल्लक है वो गुल्लक मुझे समर्पित करनी है। उस 4 दिन पहले उस बालक का स्वर्गवास हो गया। उसके पिताजी ने शाखा के जो भी प्रतिवेदन पेश किया ना, आप सब बैठे हैं, आप में से किसी को माइक पर आकर बोलिए 10 मिनट, लेकिन वो शाखा का एक छोटा बालक आकर गीत बोलता है, अवतरण बोलता है, ये व्यक्ति निर्माण है। 50 लोगों के बीच में खड़े होकर मैं अपनी बात कह सकता हूं, मैं लाठी चलाकर अपनी ताकत के साथ अपना प्रदर्शन कर सकता हूं। उस पिता ने शाखा के मुख्य शिक्षक को बुलाया, क्या है ये गुरुदक्षिणा? उसने कहा हम सब मिलकर देश धर्म के लिए काम करते हैं। जज साहब को क्या समझ में आया, छोटे छोटे साहब ये कह रहा है देश धर्म के लिए काम करते हैं, बड़े आदमी को बुलाओ। तो जिला कार्यवाह को भेजा उनके घर, उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक संघ में परंपरा है, हम सब मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खर्चा चलाते हैं। अभी यहाँ पत्रक छपा है, उस पत्रक में सौजन्य लिखा। मैंने दिलीप जी को फोन करके कहा ये सौजन्य क्यों लिखा भाई, दिलीप जी का वैसा हमारे, मैंने कहा नहीं, संघ की परंपरा है, संघ के अंदर से काम होगा, बाहर से काम नहीं होगा, अगर देना है तो भी आप स्वयंसेवक के नाते दीजिए। उस जिला कार्यालय ने समझाया हम संघ का खर्चा संघ के माध्यम से चलाते और बचा हुआ जितना काम है वो सेवा बस्ती, वंचित बस्ती, ऐसे क्षेत्रों में हम सेवार्थ काम करने के लिए उस पैसे को देते हैं। जज साहब खुद उपस्थित हुए,
कार्यक्रम में आए गुरु दक्षिणा की, और उसके बाद 3 दिन बाद VRS सेवानिवृत्ति से मुक्ति, मैं अब समाज और देश के लिए काम करूंगा और दक्षिण भारत के अंदर प्रांत के संघ चालक बनकर उन्होंने काम किया। एक छोटे से बालक ने अपने पिता को प्रेरणा दी कि जीवन भर कमाना नहीं, समाज के लिए काम करने के लिए भी प्रेरणा बनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसे 6 उत्सवों की रचना कर समाज को मूल रूप से क्या करना है, क्या करनी है वो बताइए। अभी व्हाट्सएप पर एक धुआंधार मैसेज चल रहा है, MLSU विश्वविद्यालय से निकलकर आप प्रोफेसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकलकर ये सब कुछ बन सकते हैं, पर देश का प्रधानमंत्री बनना हो, देश का राष्ट्रपति बनना हो, देश का गृह मंत्री बनना हो, देश में कोई बड़ी जगह पे जाना हो, तो आइए RSS की यूनिवर्सिटी में। मजाक है, लिखा मजाक में गया है, लेकिन ये मजाक वास्तविकता भी है। शाखा में से निकले हुए स्वयंसेवक किस विचार के साथ काम करते हैं उसका ताकत देखिए। जिस धारा 370 के लिए दुनिया की ताकत चुनी हुई मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती है, अगर धारा 370 को हाथ लगाया तो भारत का तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज पकड़ने के लिए कश्मीर के अंदर एक आदमी नहीं होगा और तिरंगे को फाड़कर फेंक दिया जाएगा। चुनी हुई मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए कहती है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान को इस समय भारत में आकर आक्रमण करना चाहिए और बचाना चाहिए देश को। आप सब ने देखा होगा संसद की भरी कार्रवाई में 365 नहीं धारा 35A सहित धारा 370 गई, जम्मू कश्मीर के 2 राज्य बनाए, एक केंद्र शासित और दूसरा आतंकवाद के खिलाफ चोट करने का। पहली बार अगर कोई ताकत के साथ काम कर सका है तो मंच पर जो देश की सत्ता पे बैठा हुआ इसी शाखा में से निकला हुआ स्वयंसेवक है। पक्का है अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वहद भारत, संपूर्ण भारत, सांस्कृतिक भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार तक जो जो इंच इंच हिंदू भूमि है वो भारत के अंदर आकर रहेगी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिज्ञा है और रोज प्रार्थना में बोलते हैं विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, भगवान के द्वारा प्रदत्त इस हिंदू समाज की रक्षा का हम ठेका लेते हैं। कोई कहते हैं संघ ने ठेका लिया क्या सारी बातों का, तो हम रोज प्रार्थना में गर्व के साथ बोलते हैं भारत माता की जय, और उससे बोलते हैं विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, और उसके साथ क्या कहते हैं, उसके साथ कहते हैं परम वैभवन नेतु मेहता स्वराष्ट्रम। तो क्या हम कट्टरवादी हैं, यह सारा प्रदर्शन हमारा कट्टरवाद के लिए, हिंदुओं की ताकत बढ़ाकर दुनिया को डराने के लिए? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संघ का स्वयंसेवक किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, किसी को देश से बाहर निकालने के लिए किसी प्रकार की मानसिकता से काम करने वाला नहीं है। संघ का स्वयंसेवक केवल एक काम करता है। एक पहलवान साहब थे, छत पर मेहनत कर रहे थे, रोज एक्सरसाइज करते थे, डिप्स लगाते थे, पड़ोसी सब मिलकर 4-5 पड़ोसी मिलकर थाने में गए और FIR दर्ज करवाई। थानेदार को कहा लिखा साहब हमारी FIR लिखो। हाल बताओ क्या है, हमारा जो पड़ोसी है वो रोज सुबह उठता है, 25 दंड बैठक लगाता है, 25 सूर्य नमस्कार करता है, और हमारे सामने बढ़िया लंगोट में और वज्र देह में बढ़िया खाना खाता है, काजू खाता है, बादाम खाता है, घर के अंदर उसने 3-4 लठ इकट्ठे करके रख रखे हैं, FIR दर्ज करो। थानेदार ने कहा किस बात की FIR दर्ज करूं, आपको मारा क्या? नहीं मारा। आपको गाली दी क्या? नहीं दी। आपके खिलाफ कुछ बोला क्या? नहीं बोला। आपके घर पे आया क्या? नहीं आया। तो फिर नहीं नहीं वो एक्सरसाइज करता है, उससे लठ रख रख रहा अपने घर में। अगर हमारी एक्सरसाइज करने से, हमारे हिंदू समाज के इकट्ठे होने से, हमारी ताकत को जुटाने से कोई डरता है तो हम क्या कर सकते हैं? कोई खौफ खाए तो हम क्या करें? हम हमारी ताकत छोड़ दें, मैं खाना छोड़ दूं, एक्सरसाइज छोड़ दूं, व्यायाम छोड़ दूं, घर में दब्बू बनकर बैठ जाऊं, पड़ोसी खुश। हिंदू समाज एक बहुत साल किया, 70 साल तक 5000 की गुलामी, साल तक मैं और मेरे परिवार से ऊपर नहीं आया हिंदू समाज।
1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, उधर चित्र लग रहा है, उन्होंने कहा इस देश का मूलवासी सनातनी हिंदू है। जब जब वो कमजोर हुआ है तब तक देश गुलाम हुआ है, देश एकत्रित नहीं हुआ है, देश दरिद्रता में रहा है। उसकी जब जब फूट हुई है, उसके लिए जब जब ऊंच नीच का भाव आया है, तब तब हिंदू टूटा है और देश बटा है। इसलिए इस हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए, अपनी साधना करने के लिए, शरीर धर्म खलु साधनम, शरीर के माध्यम से धर्म की साधना हो सकती है। अजा पुत्रम बलिर्दध्यात् अश्वमेव गजमेव व्याघ्रम नेवचनेच, अजा पुत्रम बलिर्दध्यात्। संस्कृत में वेदों में एक शब्द लिखा है, हाथी की बलि नहीं देंगे, घोड़े की बलि कभी नहीं देंगे, शेर की बलि के लिए आओ भाई साहब, आज अपने दुर्गा पूजा है और बलि देनी है शेर की, जाकर शेर लेकर आइए, भाग जाएंगे शेर लेने वाले। बलि किसकी देंगे? बकरी के बच्चे की, कमजोर की बलि देंगे, देवता भी बलि उसी की लेते हैं। अगर हिंदू समाज कमजोर है, डरपोक है, घर के अंदर बैठा हुआ है, व्यायाम नहीं कर रहा है, बुद्धि से ताकत से होशियार नहीं है, बलि होगी, मार खाएगा, पीटेगा, लूटेगा और बहन बेटी के साथ जो पहले हुआ है वो आज भी होगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा हम अजा पुत्रम नहीं है, हम कौन है? तो हम दहाड़ते हुए सिंह की तरह काम करने वाले ताकतवर हिंदू समाज के लोग हैं, लेकिन हम मारने पीटने के लिए नहीं है। मैंने जैसा कहा पहलवान घर में व्यवस्था कर रहा है, खुद की ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन किसकी चिंता करते हैं हम हिंदू समाज के लोग? आप सब ने घर के अंदर एक छोटा सा पौधा लगा रखा है बीचों बीच गमले में, क्या बोलते हैं उसे? तुलसी माँ। एक पेड़ है चौराहे के बीचों बीच, बड़ा सारा पेड़, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसकी पूजा करती हमारी भाई बहन बेटी जाकी पीपल। पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। आ जाए मेहमान तो अतिथि देवो भव। चींटी को भी दाना डालते हैं, गेहूं की गोटी बनाकर शक्कर मिलाकर चींटी का घर ढूंढते हैं घर वाले और उसको दाना डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रत्येक हिंदू समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति की सेवा और सुरक्षा करने के लिए हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म किसी के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं है, लेकिन मार खाने के भी नहीं है। आप सब लोगों ने पिछले 5-6 दिनों से वो कर लेंगे व्यवस्था, आप उठा लो बस, पिछले 5-6 दिनों से एक दृश्य देखा होगा। वो दृश्य क्या है? शुक्रवार के दिन दिल्ली के अंदर लोग पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए। कहां पे इकट्ठे हुए? उनकी सबसे बड़ी इबादत जामा मस्जिद में। आप सब लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेकर निकलते हैं, फिर क्या करते हैं? वो प्रसाद सबको बांटते हुए घर आते हैं, प्रसाद लेकर नहीं आते। वहां से निकलकर किसी के घर जाकर हमला नहीं करते। मंदिर से निकलने के बाद आपको मैं 2 लड्डू दूं, एक लड्डू दुकान से उठाकर और एक लड्डू उठाकर दूं भगवान के मंदिर से। मंदिर वाला लड्डू अगर जमीन पे भी गिर जाए तो आप उठाकर उसको साफ करके खा लेंगे, भगवान का भोग है, प्रसाद है, प्रसाद जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। हम मंदिर से निकलने के बाद जिस भाव से निकलते हैं, वो निकले किस भाव से निकले? इकट्ठे होने के बाद बस, ट्रेन, पुलिस, सामान्य स्कूल की बस, सबको जलाया। किसके लिए? मात्र एक कानून पास हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू हैं, जिनको प्रताड़ित किया गया है, जिनकी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटी गई है, अगर वो डर के कारण से भारत में आकर शरण लेना चाहते हैं तो उनको वो नागरिकता दी जाएगी। उसके खिलाफ इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सरकार के ऊपर देश के करोड़ों हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है। आज आप सबको निकलते समय एक पत्रक देंगे, जगह जगह खड़े होकर बताना चाहिए
हिंदू ने कभी भी किसी भी जगह जाकर आक्रमण नहीं किया है, मंदिर से निकलकर तो कभी आक्रमण नहीं किया है, पर जो शहंशूर और जो भारत के संविधान की दुहाई दे रहे हैं वो लोग मस्जिद से निकल के क्या कर रहे हैं। अगर हिंदू समाज अपनी ताकत की सुरक्षा की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के माध्यम से करता है तो आप सबसे मुझे निवेदन है, आज स्वयंसेवक प्रदर्शन में बैठे हैं 12-15, अगर अगली बार ओगणा में एक साल बाद शाखा का वार्षिक उत्सव हो 50 लोग शारीरिक प्रदर्शन करने चाहिए, 50 से अधिक यहां ये जो मेला ग्राउंड है छोटा होना चाहिए। हिंदू समाज की ताकत सकारात्मकता के साथ काम करने के लिए बनी है, लेकिन वो सकारात्मकता अपने जितने देवी देवता हैं, जितने पूजा कर्म करने वाले हैं, सब ने शस्त्र धारण किए हैं, एक भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो शस्त्र विहीन है, सब शस्त्र से सज्जित है। आप सब के घर में आऊं और आपके मोहल्ले से निकलूं और आपके मोहल्ले में रहने लड़की को छेड़कर जाऊं, आप मारेंगे कि नहीं मारेंगे, पकड़ के धोएंगे कि नहीं धोएंगे? लेकिन अगर आप कमजोर हैं, डरपोक हैं, कुछ नहीं करेंगे, हम 8-10 जने आएंगे आपके मोहल्ले में उत्पात मचाएंगे और चले जाएंगे। ये जो उत्पात मचाने वाले लोग होते हैं 8-10, और बाकी शेष लोग क्या होते हैं, शांत बैठकर घर के अंदर टीवी देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए चर्चा करेंगे, आज दिल्ली के अंदर एक और निर्भया का काम हो गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अपने घर के लड़कों को, लड़कियों को बताएंगे नहीं, आत्मरक्षा भी एक वचन है। अगर हमारे मोहल्ले की किसी लड़की को छेड़ने के लिए अगर 10 लोग इकट्ठे होते हैं तो हमको 30 लोगों को बाहर आके खड़ा होना चाहिए, केवल खड़ा होना है, मारना पीटना नहीं है, खड़े भी हो गए ना भाग जाएंगे। हम खड़े नहीं होते इसलिए वो लाभ उठाते हैं। अभी भी ये जो सारा देश भर में तांडव मचाए हुए हैं, अगर हम एक एक तहसील केंद्र पर 1,000, 500, 600 लोग मिलकर तहसीलदार के पास जाते, हम सी NRC और रजिस्टर के पक्ष में हैं, और अगर ये रिपोर्ट उनके पास होती तो राम मंदिर के फैसले के बाद देश में एक इंच भी, एक जगह भी भूल कर भी कहीं छेड़खानी नहीं हुई, क्योंकि सबको मालूम था राम मंदिर के पक्ष में, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के पक्ष में प्रत्येक हिंदू के मन में आस्था है, और अगर इस आस्था को छेड़ा गया तो छोड़ेगा नहीं। हिंदू छेड़ता नहीं, और छेड़ किसी ने उसे छेड़ा तो वो छोड़ता नहीं। अभी क्या हो गया, अभी उनको लगा ये तो समझेंगे ही नहीं, NRC क्या है नहीं जानेंगे, CAA क्या है जानेंगे नहीं, लेकिन अब जान गए। पक्ष में भी बहुत सारे कार्यक्रम होने शुरू हो गए हैं। आप सबसे पुनः निवेदन है, यहाँ एक पत्रक वितरण होगा, प्रत्येक हिंदू के घर में पहुंचाइए, और अगली बार जब शाखा का वार्षिक उत्सव हो यहाँ दृश्य बदला होना चाहिए, ये शारीरिक करने वाली टोली बढ़नी चाहिए, ये प्रदर्शन में जो देखने आए उनमें से कोई न कोई सब समाज के काम में संलग्न हो। और एक अंतिम निवेदन जो आज मैं आप सबसे करने आया हूँ, जो आप सबको अपने घर में करना है, कठोर है, मैंने बीच में कहा है, आपने सबने अपनी माँ को कभी भी नहीं कहा छी दूर हट, कभी नहीं कहा छी दूर हट, उससे भी आपकी गंदगी साफ की है। आपके गली में साफ करने वाला हरिजन, आपके मरे हुए जानवरों को उठाकर ले जाने वाला मेघवाल समाज, आपके बाल काटने वाला, आपको सुंदर स्मार्ट बनाने वाला, बालों की व्यवस्थित करने वाला नई समाज, आपको प्रतिदिन दूध पहुंचाकर घर के अंदर चाय बन सके इसकी व्यवस्था करने वाला भील समाज, आदिवासी समाज, हम किसी के साथ एक बार भी चटक से नहीं बोले, गलत नहीं बोले, उसका हाथ पकड़कर उसके बराबर बैठकर उसको चाय पिला सकें, इतना कर लिया